पंडाल वाले ठीक हो? चलो ठीक ही रहना चाहिए, बढ़िया रहने ही चाहिए। अच्छा अपन लोग कर भी क्या सकते हैं, नहीं रहेंगे तो करेंगे भी क्या है? एक महात्मा कहते थे सीताराम 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 कहिए जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। तो दूसरे महात्मा बोले रहिए नहीं रहना ही पड़ेगा, और कोई उपचार रहे। वैसे तो भगवान की कथा एक घड़ी आधी घड़ी आधियों में पुनियाद तुलसी चर्चा राम की हर ही को। फिर सात दिन की कथा क्यों सुना रहे हैं? देखो भाई कई लोग ज्यादा गहरे सोते हैं उन्हें ज्यादा जगाना पड़ता है। जो जितना गहरा सोता हो उतना ही ज्यादा बार जगाना पड़ता है, जो कम गहरा सोता है वो जल्दी जाग जाता है। अब जैसे कुत्ता, कुत्ता जानते हो डीओजी डॉग, कुत्ता बहुत कम गहरा सोता है, उसके अगल बगल कुछ भी खटर पटर हो तुरंत जाग जाएगा। आपको ध्यानम, हमारी निद्रा श्वान की तरह होनी चाहिए, ध्यान बगुला की तरह होना चाहिए। श्वान निद्रा बको ध्यानम, भैया जो जितना ज्यादा गहरा सोता है उतने ही ज्यादा बार जगाने पर उसका मन भगवान के चरणों में लगता है। अगर भगवान की कथा थोड़े में ही कल्याण कर देती है तो इतनी बार बार सुनाने के अभ्यास के जड़मति होत सुजान और रस की आवत जायते सिल पर परत निशान। कुआ के किनारे पर लगे हुए पत्थर की पाट पर बार बार रस्सी से जल खींचने पर उस कुएं के किनारे पर पड़े हुए पत्थर में भी वह रस्सी बार बार कथा सुनने से हमारा मन भी भगवान का बन जाता है। क्या करना चाहिए बोलिए 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 बोलिए, पर सावधान होकर। कैसे सुनना चाहिए? सावधान होकर भगवान की कथा को सुनना चाहिए। हमारे एक संत हमको कहते थे पंतम पुण्यम चतुर्थे किम करिष्यति। जिस व्यक्ति ने प्रथम अवस्था में विद्या को ग्रहण नहीं किया, दूसरी अवस्था में द्वितीयम न अर्जितम धनम धर्ममय रह करके धन को नहीं कमाया, तृतीयम न अर्जितम पुण्यम। बोले भैया जिसने अपनी तीनों अवस्थाओं में पुण्य को नहीं कमाया, आ हुई जब चिड़िया चुग गई। समय को व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए। एक संत कहते हैं जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, कुछ वक्त ऐसा निकालो प्रेम करो श्री राम से। हमको समय तो कभी मिलना नहीं, काम आज निपटा लो तो हम लोग सोचते हैं आज ज्यादा निपटा लेंगे कल थोड़ा कम रहेंगे तो कल और ज्यादा आ जाएंगे, आज इतना कर लेंगे तो कम कल कम हो जाएंगे। ऐसा आज तक नहीं हुआ, चाहे जितना आज कर लो कल भी उतना ही आ जाना है। इसलिए ये तय है कि काम तो जिंदगी भर लगा रहना है, मेरे पागलो मेरे प्रियजनों एक काम और करना, संसार का काम भी करते रहना, तन संसार में लगाए रखना, मन को भगवान के चरण।